जब ट्रेन वाले क्वेश्चन टाइम और डिस्टेंस से आते हैं, जैसे दिया है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर लेते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ही बराबर है, तो लेट कर लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई जो एक्स है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या रही होगी, एक्स रही होगी। तो टोटल यदि दूरी देखें इसमें तो टोटल डिस्टेंस दूरी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, मतलब एक्स ट्रेन की लंबाई प्लस एक्स प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल डिस्टेंस होगी टू एक्स। और चाल जो दिया है इसमें, चाल बराबर दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करके, तो 18 में यदि 90 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कैंसिल, 5×5=25 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी ट्रेन की स्पीड। और टाइम दिया है एक मिनट, तो टाइम जो एक मिनट दिया है मतलब टी इक्वल टू दिया है 1 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, मतलब 60 सेकेंड तो हो गया टाइम। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हम क्या करेंगे, चाल की जो वैल्यू है वो है 25, तो 25 इक्वल टू टोटल दूरी जो है 2x है, तो यहाँ दूरी की वैल्यू 2x रख देंगे, और समय जो है 60 सेकंड है, यहाँ पर 60 रख देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 30 में 25 से गुणा करेंगे तो x इक्वल टू 750 मीटर, मतलब हम बोल सकते हैं ट्रेन की जो लंबाई है वो 750 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।